पंजाब ने अपनी प्रतिष्ठा के अनुरूप खेलते हुए सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी का पहला खिताब जीत लिया है और टीम जिस तरह से खेल रही थी, जिस तरह की नजर आ रही थी, ये डे वन से हम बात कर रहे थे कि इस टीम ने अगर फाइनल नहीं खेला या जीता तो मैं पर्सनली बहुत सरप्राइज हूंगा। और ये टीम आप अगर देखेंगे मॉडर्न डे T20 क्रिकेट जिस तरह से इवॉल्व हो रही है उस तरह के खिलाड़ियों से भरी हुई थी। बल्लेबाजों में स्ट्राइकिंग एबिलिटी बहुत ज्यादा थी, अच्छा मिक्स था मनदीप और अनमोल प्रीत के रूप में, और साथ में उसको कॉम्प्लीमेंट करने के लिए जो गेंदबाजी चाहिए थी, चाहे हर्षदीप सिंह हो, चाहे स्पिन डिपार्टमेंट में मयंक मार्कंडे हो, हरप्रीत ब्रार हो, सिद्धार्थ कौल का भी ओवरऑल सीजन में अच्छा कॉन्ट्रीब्यूशन देखने को मिला है। तो ऑल एंड ऑल एक अच्छी टीम ने ट्रॉफी जीती है। लेकिन दूसरी तरफ जो मुकाबले में बड़ौदा की टीम थी उसकी भी तारीफ उतनी ही बनेगी, बिकॉज उस टीम में रिसोर्सेज लिमिटेड थे और कृणाल पांड्या की कप्तानी ही थी जो उनको यहां तक लेके आई थी। जिस तरह से वो टीम चली थी एक मैनर में, एक तरीके में, सो दो डिफरेंट तरीकों की भी लड़ाई थी और दो डिफरेंट टीमों की भी लड़ाई थी यहां पर, लेकिन पंजाब की टीम ने उसमें बाजी मार ली है। अब खेल की बात करते हैं। अनमोल प्रीत सिंह जो मैन ऑफ द मैच रहे हैं इस फाइनल के मैच में और पूरे टूर्नामेंट उन्होंने बहुत अच्छी बल्लेबाजी की है। एक वो खिलाड़ी जिसको टेस्ट क्रिकेट का प्लेयर माना जाता रहा पिछले कुछ सालों में, लेकिन अपने T20 गेम को जिस तरह से इवॉल्व करके इस सीजन लेके आए हैं, स्ट्राइकिंग एबिलिटी पर बहुत काम किया है। अभी भी बड़े शॉट्स लगाते हुए वो टाइमिंग पर ज़्यादा रिलाय करते हैं, हालांकि जिस तरह से उन्होंने अपने बॉटम हैंड की ग्रिप को चेंज किया है वो उनको कंट्रोल भी बेटर देता है, पावर भी अब ज़्यादा देता है, लेकिन शायद टॉप हैंड का इस्तेमाल थोड़ा सा कम करने लग गए हैं। लेकिन स्टिल ये सब टेक्निकल चीज़ें हैं, इससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ ये रही है अनमोलप्रीत सिंह के लिए कि इस सीजन वो छक्के लगाने वाले खिलाड़ियों की भी लिस्ट में रहे, बेहतर स्ट्राइक रेट से उनसे पारियां देखने को मिली और स्पेशली आके फाइनल में उन्होंने जो पारी खेली है वो बहुत कमाल की थी। और इस पारी में खास बात क्या है कि पंजाब के जल्दी कुछ विकेट गिरने के बाद पहले कंस्ट्रक्ट किया और धीरे धीरे करके जो गियर चेंज करते गए, ये सिर्फ T20 क्रिकेट के हिसाब से नहीं, ये आप 50 ओवर क्रिकेट के हिसाब से भी देखेंगे कि आपके पास बल्लेबाजी में हर वो गियर होना चाहिए, आपके पास धीमे खेलने वाली स्किल भी होनी चाहिए, रोटेशन ऑफ स्ट्राइक भी होना चाहिए, एक एक्सेलरेट करने के लिए आपको चौके चाहिए वो भी होना चाहिए, और फिर एंड में जब छक्के लगाने हो तो लगातार आप छक्के लगा सकें वो वाली एबिलिटी। तो बड़ी वर्सेटाइल बैटिंग इस सेंचुरी में भी उन्होंने दिखाई है और एक पारी उन्होंने और खेली थी 20 ऑड बॉल्स पर उन्होंने 80 ऑड रन किए थे, वो भी बड़ी कमाल की पारी थी और उसमें उन्होंने 8-9 छक्के जो लगाए थे। सो ऑल एंड ऑल अनमोल प्रीत सिंह के लिए ये सीजन बहुत जबरदस्त गया है और अच्छा लगता है इस तरह के बल्लेबाजों को इवॉल्व होते हुए देख करके कि जिनको टेस्ट क्रिकेट का बल्लेबाज माना जाता था अपने आप को कन्वर्ट किया और उन्होंने T20 क्रिकेट के खेल के हिसाब से ढाला अपने आप को और बेहतर खेल ओवरऑल उन्होंने कहीं ना कहीं दिखाया है, उसी की वजह से 61 गेंदों पर 113 रन की पारी उनकी तरफ से देखने को मिली है। उसके अलावा पंजाब की जीत में दूसरा बड़ा योगदान जो था वो था अर्शदीप सिंह का। अर्शदीप सिंह ने जो 19वां ओवर आके डाला, 2 ओवर में 33 रन चाहिए थे और जो 19वें ओवर में उन्होंने 3 खिलाड़ी आउट किए 4 रन दे करके, क्योंकि उससे पिछला ओवर सिद्धार्थ कौल जो है वो 24 रन दे के चले गए थे, तो मैच कहीं ना कहीं फंस जरूर गया था क्योंकि आखिरी ओवर स्पिनर को डालना था, विष्णु सोलंकी स्ट्राइक पर मौजूद होते अगले ओवर में जिन्होंने पिछले ओवर में सिद्धार्थ कौल को 24 रन मार दिए थे। तो अर्शदीप सिंह ने दिखाया कि वाई ही इज अ वर्ल्ड क्लास बॉलर और इंडिया के प्रीमियर फास्ट बॉलर हैं, डेथ में बहुत जबरदस्त गेंदबाजी करते हैं, चाहे वो यॉर्कर का एग्जीक्यूशन हो, चाहे बाउंसर सटीक मारनी हो, हैवी बॉल डालनी हो, स्लोअर वंस का मिक्स करना हो, तो अर्शदीप सिंह डोमेस्टिक क्रिकेट खेल रहे हैं, लगातार खेल रहे हैं और अपनी वर्थ को, अपने एक्सपीरियंस को उन्होंने कहीं ना कहीं पंजाब की टीम के लिए इस्तेमाल में लाया और पंजाब की टीम को ट्रॉफी जिताने में एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्ट्रीब्यूशन जो है वो उनकी तरफ से भी देखने को मिला। और उसके अलावा नेहल बढ़ेरा, ये खिलाड़ी मुंबई इंडियंस की टीम में था, वहां पर जो क्रंच मैचेस इनको मिले थे, अच्छी पारियां खेली थी, स्ट्राइकिंग एबिलिटी बहुत है और पिछले साल ये रणजी ट्रॉफी भी खेले थे, एक डबल सेंचुरी इनके बल्ले से निकली थी। इस सीजन देखना पड़ेगा कि लॉन्गर फॉर्मेट में किस तरह का खेल दिखाते हैं, फिलहाल जो लिमिटेड ओवर क्रिकेट का खेल था, T20 क्रिकेट का खेल था, चाहे IPL हो, यहां पर क्वार्टर फाइनल में और फाइनल में दो जबरदस्त पारियां उन्होंने खेली, सेमीफाइनल में भी वो नॉट आउट थे, तो जो तीनों नॉकआउट गेम थे उसमें नेहल बढ़ेरा का बहुत इंपॉर्टेंट रोल जो है वो पंजाब की टीम के लिए रहा है और इन्होंने
फाइनल में भी 27 गेंदों पर 61 रन की पारी खेली और यही वो रन थे लास्ट में जिसके दम पर पंजाब की टीम 200 और 223 के बीच का अंतर तय कर पाई। तो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल कहीं ना कहीं उनकी पारी ने भी प्ले किया। अभिषेक शर्मा प्लेयर ऑफ द सीरीज हैं इस टूर्नामेंट के, उन्होंने 485 रन बनाए हैं और साथ में 2 विकेट लिए हैं। गेंदबाजी की अगर बात की जाए तो छक्के लगाने के मामले में रियान पराग के बाद ही वो सेकंड बेस्ट प्लेयर, रन्स के मामले में भी वो सेकंड बेस्ट प्लेयर है क्योंकि रियान पराग ने लगभग जो है 500 के आसपास रन बनाए, इनके भी 485 रन है, ज़्यादा दूर है नहीं। और सेमीफाइनल में इनकी तरफ से जो 77 रन की नॉक आई थी, मैच विनिंग जो सिंगल हैंडेडली इन्होंने मैच को एक तरफा कर दिया था, वो एक जबरदस्त पारी अभिषेक शर्मा की तरफ से भी देखने को मिली थी। उसके बाद बात अब बड़ौदा की टीम की और कृणाल पांड्या की, क्योंकि कृणाल पांड्या की तारीफ मैं इसलिए कर रहा हूं इस बार इतनी क्योंकि बड़ौदा की टीम ना बड़ी एवरेज टीम थी, ऑर्डिनरी टीम थी और बड़े लिमिटेड रिसोर्सेस थे, बड़े लिमिटेड एबिलिटी वाले खिलाड़ी थे, लेकिन वो टीम फाइनल खेल गई। उससे बेहतर बेहतर टीमें फाइनल नहीं आई, इवन क्वार्टर फाइनल में बाहर हो गई, सेमीफाइनल में बाहर हो गई और उनके पास बेटर खिलाड़ी भी थे, बड़े बड़े नाम थे, सब कुछ था, लेकिन वो टीमें नहीं आई। बड़ौदा की टीम यहाँ पर आई है और बड़ौदा की टीम में कोई भी आपको कृणाल पांड्या के अलावा ऐसा कोई बड़ा या रिलेवेंट नाम नहीं लगेगा तो उसमें क्रेडिट कृणाल पांड्या को जाएगा, बिकॉज जो प्लेयर जिस तरह से बनाए गए हैं, स्पेशली अभिमन्यु सिंह राजपूत की बात करें, ये फाइनल में आके 3 नंबर पर उन्होंने जो पारी खेली है और कृणाल और उनके बीच जब पार्टनरशिप लगी और 4 ओवर में 66 रन चाहिए थे तो ऐसा लगा कि ये रियलिस्टिक होगा क्योंकि सिर्फ 2 विकेट गिरे थे, दूसरी तरफ पंजाब ने 4 ओवर में 77 बनाए थे लास्ट के ओवर में, तो और ज़्यादा रियलिस्टिक लग रहा था विद द ड्यू और सारे फैक्टर्स को देखें तो ये और ज़्यादा रियलिस्टिक लगने लग गया था कि बड़ौदा की टीम उस टारगेट को चेस डाउन कर सकती है। लेकिन अभिमन्यु ने जो पारी खेली है और इस सीजन गेंदबाजी से जो उन्होंने परफॉर्म करके दिखाया, हर मैच में वो विकेट निकाल रहे थे, 2 विकेट, 3 विकेट, 4 विकेट, इस तरह से उन्होंने लगातार अच्छी गेंदबाजी की। और अच्छी चीज क्या है कि मीडियम फास्ट बॉलर हैं आप, नंबर 3 पर बल्लेबाजी करा सकते हैं, छक्के तो आपने देखे ही होंगे उन्होंने कितने लंबे लंबे छक्के मारे हैं कल के दिन, जो उनकी 61 रन की पारी थी उन्होंने जो 4 छक्के उस पारी में लगाए। उसके बाद दूसरे खिलाड़ी की बात करें, निनाद राठवा एक बहुत ही टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, नाम शायद उतना बड़ा उनका अभी ना बना हो लेकिन पिछले साल रणजी ट्रॉफी में इनके बल्ले से कुछ सेंचुरीज निकली थी, गेंदबाजी ज़्यादा बेहतर कर रहे थे लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में, तो एक ऑलराउंडर के रूप में इमर्ज हुए थे। लेकिन यहाँ पर आपने देखा कि उन्होंने गेंदबाजी कम की है, कृणाल पांड्या ने अच्छी चीज़ ये की कि उनको टॉप ऑफ द ऑर्डर प्रमोट किया और उनको ओपनिंग करवाई, ओपनिंग में उन्होंने 2 मैचेस में टॉप ऑफ द ऑर्डर इम्पैक्ट भी दिया, 6 रन भी बनाए और कल के दिन भी उन्होंने 22 गेंदों पर 47 रन की पारी खेली 5 चौके और 3 छक्कों के साथ। तो ये एक बड़ा इमर्ज होता हुआ खिलाड़ी आप इसको कहेंगे जिसके पास बल्लेबाजी की भी सलाहियत है, लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में भी, शॉर्टर फॉर्मेट ऑफ द गेम में भी। गेंदबाजी यहां पर उतनी ज्यादा हुई नहीं है बट लॉन्गर फॉर्मेट ऑफ द गेम में यानी रणजी ट्रॉफी में पिछले साल इन्होंने अपनी गेंदबाजी से भी बहुत ज्यादा इंप्रेस किया था। उसके बाद इनके लिए सीजन कैंपेनर जो विष्णु सोलंकी थे, उन्होंने लगातार इनको वो फिनिशर वाले जो रोल था उसमें रन्स बना के दिए और कल के दिन भी गेम में अगर वापस लेके कोई आया था तो वो थे विष्णु सोलंकी, जो उन्होंने 1 ओवर में सिद्धार्थ कौल के 24 रन बना दिए थे। उसके अलावा अतीत सेठ का सीजन बहुत अच्छा गया, सेमीफाइनल मिस आउट किया था, फाइनल में थोड़े एक्सपेंसिव रहे क्योंकि उधर वो अंडर द रडार आए जब अनमोल प्रीत सिंह और नेहल बडेरा जो है वो छक्के लगा रहे थे तो उधर इनको 20वें ओवर में गेंदबाजी करनी पड़ी और उसमें कई सारे छक्के इनको लगे जिसकी वजह से आप इनका बॉलिंग फिगर जो है वो भी खराब होते हुए देखेंगे कल के दिन, 4 ओवर में 56 रन है, 1 विकेट है। बट पूरे सीजन अगर देखेंगे तो इन्होंने 16-17 के आसपास जो है वो टोटल विकेट निकाले, अच्छी गेंदबाजी की है, बल्ले से शायद उतनी अपॉर्चुनिटी इनको दी नहीं गई लेकिन और खिलाड़ियों को कृणाल पांड्या ने जरूर अपॉर्चुनिटी दी, खुद के भी रन बने, उनके विकेट्स भी उन्होंने लिए हैं। लेकिन एक टीम बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से हैट्स ऑफ टू कृणाल पांड्या, जो बड़ौदा की टीम यहां तक आई, लड़ी और बहुत सारी टीमों को उन्होंने हराया भी और फाइनल भी वो अच्छा खेले, एट द एंड देखो 20 रन से हारे जरूर है लेकिन एट द एंड वो अच्छा फाइनल खेले हैं, फाइट उन्होंने दिखाई है, वो अर्शदीप सिंह की ब्रिलियंस थी जो 19वें ओवर में उन्होंने दिखाई, अदरवाइज मैच किधर भी जा सकता था। तो दोस्तों ये था सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी के फाइनल का हाल, बाकी हम परफॉर्मेंसेस के बारे में बात करते रहेंगे इंडिविजुअल प्लेयर्स की आने वाले वीडियोस में, फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग इन दिस वीडियो, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, मिलते हैं आपको अगले वीडियो में।